डॉक्टर सड़कों पर और आवाम रुल गए, मरीज कब्रों में जाने लगे। चार रोज हो गए यंग डॉक्टर्स ने धरना खत्म न किया। यंग डॉक्टरों की हठधर्मी ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। सूबाई हुकूमत ने डॉक्टरों की बदमाशी नामंजूर करके नई भर्तियों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यंग डॉक्टर्स की तंजीम अब नए डॉक्टरों की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। यंग डॉक्टरों का साथियों की बहाली और मुतालबात की मंजूरी के लिए मुसलसल चौथे रोज भी माल रोड पर धरना जारी है। ऐवान वजीर आला के सामने क्लब चौक में डेरे डाले हुए हैं, कंबल और रजाइयां भी लाए हुए हैं। सुबह का आगाज हलवापुरी के रिवायती नाश्ते से और फिर पिकनिक के अंदाज में सेल्फियां बनाते हैं, जबकि अस्पतालों का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। डॉक्टरों के मुतालबात जितने भी जायज क्यों ना हो, उन्हें ये हक नहीं पहुंचता मरीजों को मरते हुए छोड़कर अस्पतालों से बाहर निकलकर सड़कें बंद कर दें। लगता है अपना हलफ भूल चुके हैं। मुझे नहीं इस बात की समझ नहीं आती, हमने ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया। हमारी डिमांड्स ना कोई पैसे हैं ना कोई मुराद है। हम लोग अपने इन्हीं जॉब्स के वापस जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि वो हमें दबा लेगी, हमें टर्मिनेट करके दबा लेगी, तो हम दबने वाले नहीं हैं। सिक्योरिटी डिमांड है, टर्मिनेशन ऑर्डर्स है, उनकी रिवर्स की डिमांड है, और अभी दोबारा जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उनके भी रिवर्स की डिमांड है, और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की डिमांड है, जो एडहॉक से कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट की डिमांड। हुकूमत को भी और डॉक्टरों को भी अपनी जिद और झूठी अना से निकलकर वो काम करना चाहिए जो उनके जिम्मे है।